स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आईपीएल 12 में जो 8 टीमें एक एक कर हर टीम पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज अनिल जी मेरे साथ हैं और टीम हैदराबाद है। वो इसलिए क्योंकि अनिल जी का हैदराबाद से बड़ा पुराना नाता है, बिरयानी इनकी फेवरेट है। सेकंडली जब आईपीएल वेज बिरयानी जब आईपीएल का आगाज हुआ था, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तब हम बहुत बड़े स्तर पर आईपीएल की कवरेज करते थे और हर स्पोर्ट्स के रिपोर्टर को एक एक टीम पकड़ाई गई थी। अनिल जी के हिस्से आई थी हैदराबाद, जिसका नाम तब था डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद। डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की शायद गिलक्रिस्ट कप्तान थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रोहित शर्मा, शाहिद अफरीदी, एंड्रू साइमंड्स, ये सारे पहले कौन नहीं था, जय सूर्या, सब बड़े बड़े नाम थे। बल्कि 2009 में हैदराबाद की टीम जीती भी, स्कॉट स्टार, हाँ, हैदराबाद की टीम जीती जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। और हैदराबाद की टीम उसके बाद से ना थोड़ी फुस सी हो गई, लेकिन अचानक पिछले एक दो साल में हैदराबाद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पिछले साल हैदराबाद एक्चुअली वॉज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। एग्जैक्टली, फाइनल में जाके हार जरूर गए, लेकिन इन्होंने क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेली थी। एक तो कप्तानी केन विलियमसन को मिली थी बाय डिफॉल्ट, डेविड वार्नर बिकॉज ऑफ दैट बॉल टैम्परिंग इंसिडेंट ही वाज रूल्ड आउट, कप्तानी उसके बाद उन्होंने शिखर धवन को भी नहीं दी और कप्तानी दी केन विलियमसन को, जिसमें शायद ब्रेंडन मैकलम की कप्तानी की छाप दिखी। और वो कप्तान ने अपनी टीम को इस तरह से सजा संवारा कि डेविड वार्नर की कमी खली नहीं, टीम जीतती रही और शानदार क्रिकेट खेलती रही। सबसे ज्यादा रन भी बनाए उन्होंने, बिल्कुल अमेजिंग उस सीजन का सबसे ज्यादा रन। और मैं एक दो इंटरव्यूज भी किए थे मुझे याद है, और उनकी टीम जो है मतलब वो ऐसा लग रहा था दे वर लाइक अ फैमिली, जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी दिखता है वो वही हैदराबाद के साथ भी दिखा। तो इस बार हैदराबाद के पास क्या है, हैदराबाद के पास क्या नहीं है? उनके पास इस साल शिखर धवन नहीं है, लेकिन शिखर धवन का पिछला साल भी अच्छा नहीं था। क्या है उनके पास इस साल, है उनके पास डेविड वार्नर वापस आए हैं। और मुझे लगता है डेविड वार्नर भूखे भी होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलना तो आईपीएल के रास्ते से ही डेविड वार्नर। और सर ना सिर्फ डेविड वार्नर, बस की इस टीम में उन लोगों की भरमार है जो इंडिया खेलने के लिए ख्वाब देख रहे हैं। विजय शंकर वर्ल्ड कप में जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा इस पर निर्भर करेगा। सिद्धार्थ कौल जो आउटसाइड अपने लिए चांस देख रहे हैं, इसमें मनीष पांडे अपने लिए मौके देख रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार रिधिमान साहब इंडिया के लिए खेलने के लिए टेस्ट में सही वापस के। तो ये इतने बड़े बड़े सितारे हैं, मतलब बहुत बड़े नाम ना हो लेकिन उम्मीदवार हैं वर्ल्ड कप तक के। और इस फॉर्मेट में दो सबसे अच्छे स्पिनर भी इनके पास हैं, साकिबुल हसन और राशिद खान। इनफैक्ट अगर इनकी बात, मोमेंट आप राशिद खान का नाम ले लो तो आप समझ जाते हो कि भैया गेंदबाज इनके पास। अगर आप हैदराबाद की बात करें तो आप उनके ऑलराउंडर्स का ही जिक्र यहाँ पे सबसे जरूरी है, क्योंकि ये टीम ना ऑलराउंडर से भरी पड़ी है। नाबी राशिद खान, कुलबी, साकिब अल हसन, विजय शंकर, इतने बड़े बड़े हार्ड हिटर्स हैं इनके पास और बॉलिंग में भी सक्षम है। सो एक तो ऑलराउंडर्स जो कमी दिख रही है सर मुझे, ये कि इनके पास सेटल ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। वार्नर और मार्टिन गप्तिल शायद करेंगे, बट मार्टिन गप्तिल का भी आईपीएल जो है ठीक है, आपने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। उस सूरत में केन विलियमसन कर सकते हैं ओपन, आपको लगता है? जॉनी बेस्टो के साथ शायद जाएंगे, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन नहीं कर सकते या बीच में खेलेंगे वो? आई थिंक वो कप्तान के तौर पे जिम्मेवारी लेते हुए थोड़ा पीछे ही जाएंगे, पीछे जाएंगे। लेकिन इस टीम के बारे में जब सर ने जिक्र किया कि 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था मुझे दिया गया था हैदराबाद, कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताइए। और वो किस्सा यूं था कि मतलब ये टीम दो फेजेस में गुजरी है। एक तो इनका था पहले शुरू में कि नाम बोलता है, और नाम बोलता है के चक्कर में इन्होंने गिलक्रिस्ट, साइमंड्स, जसूरिया, अफरीदी, सारे स्कॉट स्टारिश, सारे बड़े सितारों का उन्होंने इसमें था, मुंबई में थे, इसी में थे, अच्छा हुजूम इकट्ठा कर लिया। और हुआ क्या, मतलब न 3 में रहे न 13 में, वो ऐसे हुआ जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे वर्ल्ड 11 को जैसे पीट देती थी, वैसे वो टीम कहने को तो वर्ल्ड 11 जैसी थी लेकिन इतनी डिसओरिएंटेड थी कि कभी हुआ नहीं। उनके उस साल भी दो स्टार निकल के आए, वो टीम फुस रही। वो थे आपके आरपी सिंह, हाईएस्ट विकेट टेकर उस टूर्नामेंट के पहले के, और रोहित शर्मा एमंग द सबसे ज्यादा रन लेने वालों को। इसके बावजूद उस टीम का इतना बुरा हाल रहा पहले साल में कि 8 टीमों में सबसे निचले पाए, लेकिन अगले साल उन्होंने टर्न अराउंड किया था जीतने का, वो एडम गिलक्रिस्ट मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर थे। लेकिन इस बार इनकी गेंदबाजी पिछले साल बेस्ट थी, पूरी
पूरी आईपीएल में आपको याद होगा छोटे छोटे टोटल भी इन्होंने डिफेंड कर दिए थे, जहां तक मुझे याद है आई थिंक इन्होंने 140 डिफेंड कर दिए, 150 डिफेंड कर दिए, जो कि आसान नहीं होता है। तो 2020 में क्यों गेंदबाज ऐसे चाहिए जो विकेट लेने जाए, वो आप हैदराबाद की टीम से देख सकते हैं। जैसे अनिल ने कहा, कई इंडियन कंटेंडर्स इस टीम में हैं और इंडियन कंटेंडर्स अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये टीम के लिए अच्छा रहेगा। मुझे लगता है डेविड वार्नर और केन विलियमसन, ये प्लस राशिद खान, ये तीन फॉरनर्स हो गए। अब इनको चौथा जो फॉरनर होगा ना, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा कि क्या आप मार्टिन गप्टिल को खिलाते हैं या जॉनी बेस्टो के साथ जाते हैं। साकिब उल हसन भी है आपके पास, नाबी साकिब उल हसन, और उसके बाद आपके पास तेज गेंदबाजी में बिली स्टैनलिक भी है, वो भी है। आप खलील अहमद की आपने बात नहीं की, खलील भी इसी टीम में, खलील इस टीम में है। हाँ बिल्कुल, बात खलील भी सोच रहे होंगे कि मेरे लिए भी मौका है। सो अगर मौका वर्ल्ड कप के लिए नहीं भी है तो वर्ल्ड कप सारे सपनों का मतलब अंत नहीं है वहां से, लेकिन उनका सपना ये तो है ना कि इंडिया के लिए खेलते रहना है, खेलना है, लगातार खेलना है। और ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म तो है, आप माने ना माने, ये लॉन्चिंग पैड तो है। आपको लगता है ये आखिरी चार की टीम है? सर पिछले साल वो सिर्फ मतलब रनर अप रहे थे, उसके पिछले साल चैंपियन रहे थे, उसके पिछले साल प्ले ऑफ में भी थे, मतलब टॉप चार टीमों में थे। बिल्कुल, जब से ये टीम बनी है, पहले दो साल सनराइजर्स नाम से जब ये टीम बनी है, पहले दो साल के इनके प्रदर्शन को छोड़ दें तो हर साल ये टॉप चार में रही है, एक बार चैंपियन बनी, एक बार रनर अप रही। और ये देखते हुए कि इस टीम में शायद वो चमक दमक भले नहीं है, लेकिन इनमें वो करिश्मा, मैदान पे काम करने वाला करिश्मा है, ये देखते हुए मैं तो मानता हूँ आज से भी अगर मुझे रखना होगा अपना रुमाल तो मैं रखूंगा टॉप चार में। चलिए रुमाल रखें या अपनी लाल रंग की हैट रखें, जैसी भी तो इनकी इसी कलर की थी, है ना? अरे सर टोपी भी आज जबरदस्त वही लेकर आए। खैर हम कम्युनिटी पोल भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपकी जो फेवरेट टीम है आप कम्युनिटी पर जाकर उसके लिए वोट कीजिए। देखते हैं टुवर्ड्स द एंड सबसे ज्यादा यस पॉपुलर वोट्स हासिल करने वाली टीम कौन सी है। प्लस अगर आप हैदराबाद के फैन हैं तो इस चैट को शेयर कीजिए और एक बार फिर स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। बाकी टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेस वो भी आप देख सकते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स तक।